मोरफेट टुडे 810 में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। ईपीएस 90 पेंशन की ओर से बड़ी अपडेट दोस्तों, हमारे चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों ईपीएस के हर एक खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ईपीएस की हर एक बड़ी से बड़ी खबर इस चैनल पर जरूर मिलेगी दोस्तों। कब आपकी पेंशन बढ़ने वाली है हम आपको बताने वाले हैं, तो दोस्तों चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और प्रेस बेल आइकन जरूर दबाएं। तो ईपीएफओ कार्यालय में आज प्रदर्शन करेंगे पेंशनर्स। पेंशन बढ़ाने की मुफ्त चिकित्सा सुविधा मांग को लेकर ईपीएफओ कार्यालय में आज प्रदर्शन करेंगे ईपीएस पेंशन धारक। पेंशन बढ़ाने की मुफ्त चिकित्सक सुविधा की मांग को लेकर सोमवार को पेंशनर गोमती नगर स्थित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालय में प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान पेंशन आयुक्त माध्यम से प्रधानमंत्री ज्ञापन देंगे। ईपीएस 95 पेंशनर के मुख्य सेवक राजीव पटनागर ने बताया कि कुछ बीते 6 वर्ष से पेंशनर्स बढ़ाने की मांग की मुफ्त चिकित्सा सुविधा की मांग कर रहे हैं। बीते 2 माह से केंद्रीय श्रम मंत्री से 3 बार वार्ता हुई है लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इसे देखते हुए ईपीएस 95 पेंशनर राष्ट्रीय संघर्ष समिति आहन की पेंशनर की सोमवार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालय की ओर से प्रदर्शन करेंगे और उन्हें बताया कि प्रदर्शन में रोडवेज आवश्यक प्रस्तु निगम अट्रांसपेन और निगम पीसीएफ सेतु निगम स्कूटर इंडियन एफआईआर एचएल यूआईडी समेत अन्य संस्थानों को पेंशनर की हिस्सा लेंगे। तो दोस्तों हमारी न्यूज़ आपको कैसी लगी, ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब प्रेस बेल आइकन करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।